आप सबका फिर से स्वागत है। घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में लेट्स स्टार्ट वेरी इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। इससे पहले भी हम पार्ट वन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो आपने पार्ट वन को ध्यान से देखना है, ध्यान से पार्ट वन की वीडियो आपने वॉच करनी है क्लॉजेस से रिलेटेड। और पार्ट टू में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस कि कैसे सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड में चेंज करते हैं, कंपाउंड को सिंपल में कैसे ट्रांसफॉर्म अर्थात चेंज करते हैं और सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कैसे चेंज करते हैं। तो ये हमने पार्ट टू में डिस्कस किया डिटेल में। अब हम और एक और देखना है हमने कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने मिक्स किया है, हमने कैटेगरी वाइज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज के हिसाब से कैटेगरी वाइज पार्ट टू में हमने डिस्कस नहीं किया बल्कि मिक्स किया कि सिंपल को हम कैसे कंपाउंड में चेंज करेंगे, कंपाउंड को कैसे सिंपल में, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं कैटेगरी के अनुसार अर्थात यूजिंग नाउन क्लॉजेस, यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड यूजिंग एडवर्ब क्लॉजेस। Transform the following simple sentences into complex sentences using noun clauses, adjective clauses and adverb clauses. It is part number 3. अर्थात हम अलग अलग से सिंपल सेंटेंसेज को कैसे नाउन क्लोज का यूज करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का यूज करते हुए और एडवर्ब क्लोज का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंसेज को कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं अर्थात ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, उसका जो रूपांतर करते हैं। मीनिंग चेंज नहीं होता, जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, उसकी बनावट में चेंजिंग आएगी लेकिन उसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट, प्लीज लिसन टू मी, इट इज सिंपल सेंटेंस। प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम नाउन क्लॉज को यूज कर रहे हैं। अब हमने डिफरेंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस के बारे में कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बीच में, इनके मध्य क्या डिफरेंस है। पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए, नाउन सबॉर्डिनेट क्लॉज विच वर्क्स एज ए नाउन, इट इज अ नाउन क्लॉज। यानी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में टू पार्ट हमने देखे थे, प्रिंसिपल क्लॉज एंड बोलो सबॉर्डिनेट क्लॉज, और सबॉर्डिनेट क्लॉज के थ्री पार्ट्स नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब सबॉर्डिनेट क्लॉज का वो पार्ट जो नाउन के रूप में एक्ट करे, नाउन के रूप में कार्य करे, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में
या ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में। और जो एडजेक्टिव का वर्क करे सबॉर्डिनेट क्लॉज, जो एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के रूप में कार्य करे, जो नाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव क्लॉज, और जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया कैसे किस प्रकार हुई वो एडवर्ब क्लॉज। और नाउन क्लॉज में हम देखते हैं कि इसका आंसर हमें एक क्लू, इसमें क्लू हम देखते हैं कि व्हाट एंड समथिंग। यदि हम डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट को देखते हैं कि प्लीज लिसन टू व्हाट, क्या सुनना है, व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ, व्हाट ही एडमिटेड व्हाट दैट ही वाज मिस्टेकन, सुनील प्रोमिस्ड व्हाट, प्रोमिस्ड व्हाट दैट ही वुड हेल्प मी, ही ऑर्डर्ड व्हाट दैट इट मस्ट बी डन, ही सेड व्हाट दैट ही वाज इनोसेंट व्हाट, अर्थात समथिंग। व्हाट के आंसर के रूप में हम समथिंग वर्ड यदि लगा करके देखते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज में, क्योंकि कंजक्शन के साथ वाला जो पार्ट होता है, कंजक्शन के साथ वाला जो पार्ट होता है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, और इसकी जगह यदि हम समथिंग वर्ड लगा कर देखें और उसकी सेंस यदि क्लियर होती है तो वो नाउन क्लॉज है, ये हमें क्लू मिल जाता है इससे। और यदि समथिंग वर्ड लगाने के बाद या व्हाट का आंसर जानने के लिए हमें क्लू ना मिले, हमें सेंस क्लियर ना हो, तो फिर हम देखते हैं कि ये नाउन क्लॉज नहीं है, सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब इसमें हम समथिंग यदि वर्ड रखते हैं, प्लीज लिसन टू समथिंग, ही एडमिटेड समथिंग, सुनील प्रॉमिस्ड समथिंग, ही ऑर्डर्ड समथिंग, ही सैड समथिंग, क्लियर है। तो व्हाट का आंसर कि क्या हुआ, क्या यानी नाउन के बारे में, हमें संज्ञा के बारे में, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में आ करके या ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में, जहाँ नाउन के रूप में एक्ट होता है, उस सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज। अब आते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज में। इसमें क्या होता है कि जो कंजंक्शन वर्ड है विच बिलोंग्स टू हा सबॉर्डिनेट क्लॉज, विच इज बिग सबॉर्डिनेट क्लॉज, विच इज रेड सबॉर्डिनेट क्लॉज, Who was in red dress? Subordinate clause. Who wrote the book? Subordinate clause. तो ये subordinate clause जो है ये adjective clause है, क्यों, क्योंकि इसमें इस clause के द्वारा noun की विशेषता बताई जा रही है कि which belongs to me, book कौन सी किताब जो मेरी है, जो मेरी से संबंधित है, अर्थात जो मेरी है, उस विच की बात हो रही है। और एडजेक्टिव क्लॉज में हम विच या हु या हुम, जो कंजक्शन सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, उसके द्वारा हम इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज को इसमें लिखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को। तो ये कौन सी किताब की बात हो रही है, विच जो मेरी है, टेबल कौन सी है, विच इज बिग जो बड़ी है, तो इस टेबल की विशेषता बिग बड़ी है, ये विशेषता बताई जा रही है। पेन कौन सा चाहिए, जो रेड है, द पेन विच इज रेड। औरत को देखा, कौन सी औरत को देखा, हु वॉज इन रेड ड्रेस, जो लाल कपड़े पहने हुए थी। राइटर कौन आ रहा है, हु रोट दिस बुक। ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, अर्थात एडजेक्टिव क्लोज है। और जो बाकी का पार्ट है, द राइटर इज कमिंग टुमारो, ये प्रिंसिपल क्लोज है। प्रिंसिपल क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं और सबॉर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ये विच या हु से स्टार्ट जो वर्ड हो रहे हैं, हु से या विच से, तो ये किसकी विशेषता इस क्लोज में बताई जा रही है,
उस नाउन की, तो इससे पहले नाउन लगा हुआ है, चाहे वो पेन हो, चाहे टेबल हो, चाहे बुक हो, चाहे वुमन हो या राइटर हो, तो उसकी विशेषता के बारे में जो वर्ड यूज हो रहा है, जो क्लोज यूज हो रहा है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। हालांकि इसको हम पार्ट वन में और टू में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, उसको दोनों पार्ट्स को आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको ये पार्ट नंबर थ्री समझ में आ जाए अच्छी तरह से। यूजिंग एडवर्ब क्लोज, अब इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता हो रही है, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। अब आपने क्या देखना है इसमें, ऑल्दो ही इज ए पुअर, ये क्या है, सबॉर्डिनेट क्लोज, सो दैट वी मे लिव, सबॉर्डिनेट क्लोज, दैट ही कुड नॉट स्पीक, सबॉर्डिनेट क्लोज, सो दैट आई कुड गेट ए गुड सीट, सबॉर्डिनेट क्लोज। और इसमें एडवर्ब क्लोज में इसमें क्रिया के बारे में बताया कि वह गरीब होते हुए भी ईमानदार है, और ये पर्पज ऑफ एडवर्ब है, इसमें एडवर्ब ऑफ पर्पज कि किस उद्देश्य से हम खाना खाते हैं, जीवित रहने के लिए, वह इतना गुस्से में है कि बोल नहीं सकता, तो ये क्रिया जो उसके द्वारा क्रिया की गई है, जो एक्शन हुआ है, उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, और वह जल्दी गया है ताकि सीट को प्राप्त कर सके, तो इसमें क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने ये देखना है कि जो सिंपल सेंटेंस है, देखिए सिंपल सिंपल सिंपल, और हर सिंपल सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, यूजिंग बाय सबॉर्डिनेट क्लोज, अर्थात यूजिंग बाय नाउन क्लोजेस, एडजेक्टिव क्लोजेस एंड एडवर्ब क्लोजेस, संज्ञा विशेषण एंड क्रिया विशेषण। और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हुए हमने क्या देखना होता है कि इसमें जब हम देखते हैं व्हाट या दैट से हम इसको कंबाइन कर रहे हैं कंजक्शन के द्वारा, दैट है, व्हाट है, और भी कोई कई वर्ड इसमें आ सकते हैं, और इसमें हम विच या हु से कंबाइन कर रहे हैं क्लॉजेस को, और इसमें हम देखते हैं कि जगह जगह सो दैट, ऑल्दो, सो दैट, सो दैट, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हम क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कंजक्शन को जोड़ करके सबॉर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ते हो, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, उसका स्वयं में एक अर्थ होता है, कंप्लीट सेंस होती है, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ऐड करते हैं, तभी जा करके उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। ये आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस को जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होती है, सिंगल यानी इंडिपेंडेंट क्लोज होता है सिंपल सेंटेंस, और उसको हम जब नॉन क्लोज में हमने देखी, इसमें कैसे देखते हैं हम, सुनील प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने का वायदा किया। अब इसको जब हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सुनील प्रोमिस्ड क्या, दैट की, अब इसमें कंजक्शन लगाया हमने, सिंपल में कंजक्शन नहीं लगा हुआ, दैट ही वुड हेल्प मी। अब इसमें देखो, इसमें भी आप देख सकते हैं दैट इज हर बुक, वह उसकी किताब है, क्लियर है, सिंपल है ये, सिंपल यानी इंडिपेंडेंट ये कंजक्शन क्लॉज हो गया, क्लियर है। लेकिन जब इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि बुक कौन सी है, विच, अब इसमें विच कंजक्शन लगाएंगे हम, इसमें नहीं लगा हुआ, सिंपल में नहीं है, कॉम्प्लेक्स में विच, विच बिलोंग्स टू हर। तो इसी प्रकार इसमें जो अब जैसे आई सॉ ए वुमन इन ए रेड, अब ये सिंपल है, सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, अब जब इसको हम देखते हैं कि कंबाइन करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा और एक सबॉर्डिनेट हो जाएगा, तो ये तो इंडिपेंडेंट होगा, आई सॉ द वुमेन, मैंने औरत को देखा, क्लियर है, ये तो सेंस है। अब हु वाज इन रेड ड्रेस, ये इनकम्प्लीट है इसके बिना, तो ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, तो हमने इसके साथ क्या लगाया यहाँ पर, हु, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई कंजक्शन नहीं, आई सॉ ए वुमेन इन ए रेड ड्रेस, तो इसमें कंजक्शन वर्ड हम लगा देते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देख लें राइटर, कौन सा राइटर आ रहा है,
द राइटर ऑफ दिस बुक, इस किताब का राइटर इज कमिंग टुमारो, कल आ रहा है। अब इसमें हु, राइटर कौन सा है, हु रोट दिस बुक, जिसने ये किताब लिखी, हु, अब इसमें हु लगाया हमने क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है और जो कोई दूसरी वस्तु से संबंधित बात आती है तो हम विच लगाते हैं, क्लियर है। ये वुमेन और राइटर, इसके लिए हमने हु का प्रयोग किया है, हु इज कमिंग टुमारो। और इसमें हमने क्या लगाया, देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, गरीबी के बावजूद वह ईमानदार है। ऑल्दो, यद्यपि हम खाते हैं, वी एट सो दैट वी मे लिव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आई वेंट अर्ली टू गेट, प्राप्त करने के, सीट प्राप्त करने के लिए मैं जल्दी चला गया। तो मैंने इसको फिर कंबाइन करते हुए कंजंक्शन वर्ड लगा करके, एडवर्ब क्लॉज लगा करके हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज किया, आई वेंट अर्ली, ठीक है, सो दैट, ताकि, इसमें नहीं है सो दैट क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है, तो इसमें कंजंक्शन है ही नहीं। आई वेंट अर्ली सो दैट, ताकि आई कुड गेट अ गुड सीट। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस को में इंडिपेंडेंट, सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, क्लियर है, उसमें कोई कंजक्शन वर्ड नहीं लगा हुआ। लेकिन जब हम उसको कंप्लेक्स में चेंज करेंगे तो उसमें हम कंजक्शन वर्ड लगाएंगे, चाहे वो नाउन क्लॉज से रिलेटेड हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड हो। और उसकी पहचान आपने पता लग गया भाई, जो नाउन वर्क्स एज ए नाउन, जो नाउन के रूप में कार्य करे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव के रूप में अर्थात जो नाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव क्लॉज, और जो क्रिया के रूप में अर्थात क्रिया की विशेषता बताए ओ एडवर्ब क्लॉज। तो ये आपने ध्यान से इसको सभी पॉइंट्स को नोट करना है, और जो आपने तीनों पार्ट्स में 1, 2 and 3 क्लॉजेस से रिलेटेड जो तीनों पार्ट्स में आपने सीखा है वो आपस में डिस्कस करेंगे, और जो पॉइंट आपने सीखे हैं वो नोट कर लेंगे और इन वीडियोज को ध्यान से देखेंगे, वॉच करेंगे, ताकि आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगिता के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, चाहे ग्रेजुएशन के बाद हम कोई टेस्ट देते हैं या प्लस टू कक्षा पास करने के बाद, और कक्षा से रिलेटेड, हर कक्षा से रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी हमें क्लॉजेस से रिलेटेड सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने इसको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में लेना है और इसको ध्यान से वॉच करना है, ठीक है, समझ आया सभी को, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।